हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर मैं बात करूँ स्किल्ड यूथ डेवलपमेंट करना, तो ये दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो। और इसी मैसेज के साथ इस साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे इस मैसेज को फोकस किया गया है। मैं हूँ अंकिता मिश्रा और स्वागत है आपका एग्जामशाला इंडिया यूट्यूब चैनल पर। 15 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल कॉन्क्लेव एड्रेस किया है नेशन को, विच वॉज फोकस्ड ऑन यूथ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, और फिर हम देखेंगे कि क्या मंत्र दिया है नरेंद्र मोदी जी ने नेशन और यूथ को, और इसके बारे में डिटेल में। उससे पहले अगर मैं आपसे कुछ फैक्ट्स की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए हैं विच इज़ रिलेटेड टू यूथ। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम जो इकोनॉमीज एंड सोसाइटी फेस कर रही है आज के टाइम में, वो है राइजिंग यूथ एम्प्लॉयमेंट। अगर फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो एक लेटेस्ट ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2020 में एक रिपोर्ट आई थी टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर फॉर जॉब, उसमें बताया गया था कि एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है नीट NEET नीट में। ये नीट का मतलब होता है विच इज़ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो जो नंबर ऑफ यूथ है जिसके पास ना तो एम्प्लॉयमेंट है ना एजुकेशन है ना ट्रेनिंग है, तो इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इसमें क्या देखा जा रहा है, एक अपवर्ड ट्रेंड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर ऑफ यूथ है वो क्या हो रहे हैं, ना तो उन्हें एजुकेशन मिल रहा है ना ट्रेनिंग मिल रही है ना एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट बाई यूनाइटेड नेशन, 5 में से 1 यंग पीपल क्या है वो नीट के अंदर आता है। इसी इशू को सॉल्व करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन है उसने TVET लॉन्च किया या स्टार्ट किया। तो ये TVET का मतलब होता है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर इसकी बात करूँ तो दिस इज़ विच इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल। ये क्या करता है, अपॉर्चुनिटी बनाता है यंग पीपल के लिए, जो विच ब्रिंग टुगेदर इंस्टीट्यूशन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे देखिए, तो ये जो क्या करता है, ये एक अपॉर्चुनिटी लाता है यंग पीपल के लिए, और कैसे, इट ब्रिंग इंस्टीट्यूशन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टुगेदर टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग यंग यूथ विद स्किल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसेंट वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे है इसमें TVET को भी लॉन्च किया है और बाकी सारे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो TVET है ये करता क्या है, ये एड्रेस करता है, इट एड्रेस मल्टीपल डिमांड्स ऑफ एन इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल नेचर। और कैसे, बाय हेल्पिंग यूथ एंड एडल्ट टू डेवलप द स्किल विच दे नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो दिस इज़ द मीन सिग्निफिकेंट ऑफ दिस WYSD, दैट इज़ वर्ल्ड यूथ स्किल डे। अब अगर हमने ये जो बातें की थी इसके ये जो की फैक्ट्स की, तो इसमें ये अभी जो 15 जुलाई को कॉन्क्लेव किया गया है, ये यूनाइटेड नेशन में कंडक्ट किया गया है वर्चुअल इवेंट, वो इसलिए क्योंकि जो COVID-19 की वजह से सिचुएशन है, जो करंट क्राइसिस है, ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से काफ़ी नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्होंने अपनी जॉब खो दी है। इसके की फैक्ट आप बाद में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो इसी वजह से इस साल इसको काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया का ये 5th anniversary था स्किल इंडिया मिशन का। अगर स्किल इंडिया की मैं बात करूँ तो दिस इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो वेरियस सेक्टर में कोर्स ऑफर करता है इन ऑर्डर टू एम्पावर द यूथ। तो जो ये है WYSD, दैट इज़ वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकग्नाइज किया जाता है एंड डिजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये जो कॉन्क्लेव इंडिया के द्वारा अंडर स्किल इंडिया मिशन में लॉन्च किया गया है, विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्क्लेव था उसके मेन अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, तो मोदी जी ने ये जो करंट COVID-19 पेंडेमिक की वजह से काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन जो हमारी इकोनॉमी जो हमारी कंट्री मेंबर फेस कर रहे हैं, इसीलिए इसको डिजिटली ऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब दिस इज़ द वर्चुअल इवेंट।
और जो ये कॉन्क्लेव है इसमें मोदी जी ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है उसमें उन्होंने एक मंत्रा दिया है, दैट इज़ स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल। उन्होंने जो एड्रेस करते टाइम कहा था, उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था वुडन ब्लॉक का, लकड़ी का। उन्होंने ये जो स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल मंत्रा दिया है, इसे समझाने के लिए बताया था कि जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको अगर कोई इंसान चेयर बनाने में अपनी स्किल यूज़ करके उस लकड़ी के टुकड़े को चेयर में कन्वर्ट कर सके, तो वो क्या कर रहा है, अपनी स्किल का यूज़ कर रहा है। और अगर इसी चेयर की को बनाए रखना है मार्केट में और धीरे धीरे इसी में आगे बढ़ना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रीस्किल। रीस्किल का मतलब क्या हो गया, उस चेयर में वैल्यू एडिशन करते जाने के लिए नए नए उसमें आर्किटेक्चर, नया नया चेयर का मॉडल बनाया जाए, न्यू तरीके से चेयर को और कंफर्टेबल बनाया जाए। तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे वुडन ब्लॉक से शुरू करके उस चेयर को एक नए आर्किटेक्चर में चेंज करता जा रहा है, जिससे उसको फ़ायदा होगा। तो मोदी जी का ये कहना है कि जो करेंट सिचुएशन है अभी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है ड्यू टू पेंडेमिक एंड लॉकडाउन। तो एक मेन मंत्रा या एक रास्ता ये है कि जो यूथ है आज की, दे शुड लर्न टू अडॉप्ट न्यू स्किल। उनको अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ताकि वो इस सिचुएशन को अच्छे से फेस कर पाएँ। और इसी में उन्हीं का ये एग्जाम्पल था वुडन ब्लॉक का। जैसा कि मैंने बताया कि जो यूनाइटेड नेशन में ये रिकॉग्नाइज़ किया गया है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, इस साल की जो थीम थी दैट इज़ स्किल फॉर रेजिलिएंट यूथ। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो इवेंट है ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे, जो मोदी जी का ट्वीट था, ये देखिए, ये एक न्यूज़ उसकी तरफ से भी लिखा बताया गया है। मोदी जी ने कहा है आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेज टू यंगस्टर्स टू ऑन वर्ल्ड यूथ स्किल डे टुडे। ड्यूरिंग दिस टाइम कोरोना पेंडेमिक अलॉन्ग विद द वर्क कल्चर द नेचर ऑफ जॉब हैज़ चेंज एंड द एवर चेंजिंग न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो बीन अफेक्टेड बट द यूथ इज़ गेनिंग न्यू स्किल इन द चेंजिंग टाइम। तो यही मेनली उनका कहना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्किल इज़ टाइमलेस, इट कीप्स गेटिंग बेटर विद टाइम। तो यही चीज़ है कि जो हमारे यूथ को समझनी पड़ेगी करेंट सिनारियो में, कि स्किल पे काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्किल पे काम करने के बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है अगर आगे बढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे है, तो दिस इज़ द वर्चुअल इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय परमानेंट मिशंस ऑफ श्रीलंका, पोर्चुगल टू यूएन, द सेक्रेटरी जनरल एनवॉय ऑन यूथ, यूनेस्को एंड इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ILO। तो अगर बैकग्राउंड की मैं बात करूं, तो एक बार फिर से बता दूं कि जो ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे है, दिस इज़ एन UN, यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड इवेंट, जिसका लक्ष्य है टू रिकॉग्नाइज स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विपिंग यंग पीपल विद एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मेनली इसमें करता कैसे है, ये यंग जो पीपल हैं, जो यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं, जो TVET, अभी मैंने बताया था थोड़े टाइम पहले, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग, ये इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, जो वर्क ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिसी मेकर हैं, डेवलपमेंट पार्टनर, इन सबको साथ में लाया जाए। और लाया क्यों जाए, ताकि जो यूथ है उसको हेल्प किया जाए स्किल डेवलप करने में, जो कि वो यूज़ कर सकें अपने एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में। तो दिस इज़ वॉट वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज़ ऑल अबाउट। नाउ वी विल जस्ट गो टू आंसर ऑफ द लास्ट सेशन। लास्ट टाइम का हमारा क्वेश्चन क्या था, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेकन एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। हमने लास्ट टाइम समिट देखा था, उसी में क्वेश्चन था। तो 2020 में जो लेटेस्ट जो कंट्री ने एग्जिट किया है, दैट इज़ ब्रिटेन। अब हम बढ़ चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसने इंडिया में जो कॉन्क्लेव डिजिटली ऑर्गेनाइज किया गया है, दैट इज़ बाय द स्किल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको इसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। थैंक यू सो मच। अगर सेशन यूजफुल रहा है तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए आंसर, और इसी तरह एग्जामशाला इंडिया यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।